कभी मेरा बर्थडे हो, कोई पीटीएम हो, कोई त्योहार हो, वो कहीं नहीं थी। न मेरी जीत ने मुझे शाबाशी देने के लिए, न ही मेरी हार ने मुझे गले लगाने के लिए। तुम्हें बता रही हो, जब दूसरे बच्चों की आई अपने बच्चों को प्यार करती थी, उनके बालों को सहलाती थी, उनके सारे जिद पूरा करती थी, तब मैंने अपनी आई को बहुत ज्यादा मिस की, तब मुझे उनकी कमी खलती थी। जब रातों के अंधेरे मुझे परेशान करते थे, जब मुझे डर लगता था, तो मैं सोचता था कि काश मेरी आई मेरे साथ होती, मुझे गले से लगाती, मुझे प्यार करती, लोरी गा के मुझे सुनाती, पर वो कहीं नहीं थी। पर मेरी अक्का साहब मेरे साथ थी, उन्होंने मुझे सुना। तुम्हें पता रही बात, एक बच्चे के लिए मां से बड़ी और कोई खुशी नहीं होती, उसी खुशी से उन्होंने मुझे वंचित रखा, इसलिए मैं उसे इतनी नफरत करता हूं, बहुत ज्यादा नफरत। ईशान, मैं तुम्हारा दर्द समझती हूं, लेकिन तुम्हें भी एक बात समझनी होगी कि दर्द साथी नहीं होता, सारथी होता है। वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के ही जाता है, सही राह दिखा के जाता है, और उसे सीख के आगे बढ़ने को ही जिंदगी कहते हैं। भवानी जी, ये क्या बेहूदगी है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? माफ कीजिएगा, माफी मांगते जी, अभी के अभी सॉरी बोलो। आपने तो कहा था लड़की बड़ी संस्कारी है, गाय है, लेकिन सींग मारने वाली गाय है, ये बताना भूल गई थी क्या? ये है संस्कार लड़की के? नहीं नहीं, आप सुनिए तो सही मेरा। जो सुनना था वो सुन लिया, और जो देखना था वो देख भी लिया। आपकी तो कोई इज्जत है नहीं इसकी नजरों में, और ये ऐसे गाने पर नाच कर इसने हमारी इज्जत की भी धज्जियां उड़ा दी। कुछ तो मर्यादा रखनी चाहिए थी। इज्जत मर्यादा, वो इंसान जो अपनी पत्नी को गाय बनाकर रखने पर, उनकी आवाज दबाने पर फक्र महसूस करता है, वो इंसान इज्जत और मर्यादा की बात कर रहा है? हमारे घर पर आकर अपनी अमीरी की एंट दिखा रहे हैं और हमारे संस्कारों पर दोष निकाल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती?